हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत स्टूडियो में। ये जो वीडियो है फिजिक्स की रहेगी, 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है, और ये जो पहला चैप्टर चल रहा था उसकी 9वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हमने ये टॉपिक रखे हैं, ये टॉपिक क्लियर करेंगे, कोण क्या होता है, घनकोण क्या होता है, वैद्युत प्लस क्या होता है, इसका सूत्र, मात्रक और विमा, ठीक है, ये सब जानेंगे बहुत ही विस्तार से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि कोण क्या होता है। तो कोण होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक रेखा है, क्या है, कोई भी एक रेखा है, और ये कैसी रेखा है, बिल्कुल सीधी, ठीक है, सरल रेखा। किसी सरल रेखा के एक बिंदु को स्थिर मान लूं मैं, इसको क्या करता हूं, मैं स्थिर कह दूं, यानी कि मैं इसको क्या करता हूं, फिक्स कर दूं, और इसको मैं क्या करूं, इसका परिक्रमण कराऊं, यानी कि इसको परिक्रमण कराऊं, इस तरीके से, समझ में आ गया, इस तरीके से मैं इसको, यहां से ए पोजीशन पर था, अब मैं क्या पर ए इसको उठा दूं, यहां पर बी पोजीशन पर पहुंचा दूं, तो मतलब ये तो स्थिर रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि इस तरीके से इसकी पोजीशन आ जाएगी। तो तब ये जो परिक्रमण किया इसने, तो इस परिक्रमण के दौरान इसने ये कितने एंगल, यानी कितनी दूरी तय करी इसने केंद्र पर, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। क्लियर होगी बात, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि किसी भी वृत्त के एक चाप द्वारा, ये क्या कहलाएगा आपका, ए बी एक क्या है यहाँ पर, ये चाप कहलाएगा, ठीक है, किसी वृत्त का कोई चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम समतल कोण कहते हैं। केंद्र पर जो दूरी होती है उसकी, या दो केंद्र पर जो पोजीशन होती है उसकी, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो दोनों बात, दोनों तरीके से मैथमेटिकल साइंस की वजह से हर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कोण क्या है। यानी किसी भी चीज को मैं इस पॉइंट को एक स्थिर मान लूं और ऐसे घुमा दूं, तो घुमाने के दौरान, परिक्रमण के दौरान इसने कितना परिक्रमण तय किया, कितना परिक्रमण तय किया, अर्थात इसने केंद्र पर कितनी दूरी तय करी, ठीक है, कितने कोण ये विस्थापित हुआ, केंद्र पर ये कितने कोण या कितनी कितनी दूरी ये विस्थापित हुआ, उसी चीज को हम कोण कहते हैं या समतल कोण कहते हैं, राइट। तो या वृत्त के, यानी कि ऐसे घूमती है कोई स्थिर रेखा स्थिर मान के, तो एक वृत्त बनाती है, तो इस वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को, केंद्र पर आंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी घनकोण। यदि ये वृत्त है, ठीक है, और एक पूरा वृत्त है, यानी कि ऐसे घूम के जाएगा, तो कितने अंश का कोण बनाता है, 2π, बोले तो आपका 300, और ये कितना बनाएगा, यानी 360 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, एक ऐसे घूम जाएगा तो पूरा एक बनाएगा। लेकिन अभी मैं क्या ले रहा हूँ, एक गोला ले रहा हूँ, गोले में और वृत्त में अंतर समझ में आता है कि वृत्त जो होता है 2D में बनता है केवल, ऐसे जैसे चूड़ी है, लेकिन जो आप गेंद खेलते हो, गेंद वो क्या, नीचे गोल और ऊपर ही थोड़ी उठी होती है, जैसे अंडा होता है, तो वो होता है आपका गोला, ठीक है, समझ में आ गया ना, कि गोले में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, गोला उठा हुआ होगा ऐसे, इस तरीके से गोले की शेप होगी, लेकिन उसकी जो आकृति जैसे वृत्त बना रहे थे ये है, लेकिन गोला कैसा होगा, इस टाइप से उसका, मतलब इस टाइप से मोटा होगा, यानी कि ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया, जैसे लड्डू बनाते हो आप, ठीक है। तो अब गोले के कोई भी क्षेत्रफल, ठीक है, तो गोले का ये देखिएगा, इस टाइप से ये ऐसे कोई क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये तो गोले का किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं घनकोण। समझ में आ गई बात, और घनकोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सिंपल था, जैसे हमने कोणीय विस्थापन पढ़ा था वही है, जैसे ये था आपका थीटा, रेखीय विस्थापन, ठीक है, इस तरीके से जैसे आपका एस बराबर रेखीय विस्थापन था, कोण घूम जाते हैं कोणीय विस्थापन, उसी तरीके से ये बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोणीय विस्थापन भी किस तरीके का होगा, किसी क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यानी कि कोई भी किसी गोले के किसी क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को हम घनकोण कहते हैं, राइट, समझ में आ गई बात। यानी कि कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कोई मैं एरिया मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो एरिया में इसमें कितनी पृष्ठ होगी, 2 पृष्ठ होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो कुल मिला के मतलब एक पृष्ठ कैसे घूमेगा तो कितना कोण हो जाएगा आपका 360, यानी कि 2π, और दोनों पृष्ठ यदि घूमेंगी तो कितना हो जाएगा, 2π 2π 4π, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण जो होता है
घन कोण 4π होता है, हर डेरिवेशन में लगाऊंगा, संपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिखाऊंगा तो वहां पे गॉस की प्रमेय में आती है, तो वहां पे 4π लूंगा मैं संपूर्ण गोले के लिए, ठीक है, संपूर्ण गोले के संपूर्ण प्रश्न के लिए, गोले के संपूर्ण प्रश्न के लिए, ठीक है। मार्कर मेरा चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, देखिएगा समझ में आ गई। गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैं कितना लूंगा, ये जो घनकोण है 4π, ठीक है। अब घनकोण का जो फॉर्मूला होगा, ओमेगा बराबर आप लिखोगे यहाँ पर, जैसे कि आपका इसमें क्या था, आपका ये जो इस कोण का जो होता है, जिस कोण का 4/2 त्रिज्या होती है, ये कोण बराबर क्या होता है आपका 4/2 त्रिज्या, ठीक। उसी प्रकार से घनकोण का जो होता है यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टे और त्रिज्या का स्क्वायर, यानी ये तो डी ओमेगा मैं कह दूं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ क्षेत्रफल, ठीक है। तो डी ए बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है कि यदि, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन, और इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन, ठीक, समझ में आ गई। कोण का फॉर्मूला 4/2 त्रिज्या, और इसका आपका क्या है, एरिया बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर, कोण यह इसका यह डी ओमेगा बराबर डी ए बट्टे आर स्क्वायर। मतलब क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है और छोटे पृष्ठ के कारण ये मैं डी ए मान ले रहा हूँ इसको, तो छोटे पृष्ठ के कारण छोटा सा कोण, यानी कि डी ओमेगा, ठीक है। और यदि मैं इसका बड़ा पृष्ठ मानूंगा, पूरा बहुत बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा। इस तरीके से डी का मतलब सूक्ष्म के लिए हम लगाए, सूक्ष्म, ठीक है, क्लियर होगी ना बात आपकी। अब हम वैद्युत फ्लक्स पे आते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई, इसके जो लिखी हुई थ्योरी है वो आपकी उसमें नोट्सों में नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे क्या है, वैद्युत फ्लक्स हम पढ़ेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, जैसे कि आपने ये दिखाई दे रहा है वैद्युत फ्लक्स, कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र, ये तरीका है, ठीक है। और इसमें कोई भी एक पृष्ठ है, जैसे कि मैंने वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ ले लिया इस तरीके का, ठीक है। और इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा है। तो मतलब क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से, ये क्या है, किसी भी पृष्ठ या कोई काल्पनिक पृष्ठ कह दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसका कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ का, तो ये मैं डी ए मान ले रहा हूं, इसको फाई की से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, फाई की बराबर क्या हो जाएगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है भाई, जितना मान लीजिए ऐसा ऐसे ले रहा हूँ, देखो ऐसा समझिएगा कि आपके पास में ये है, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कीलें ठोक दे रहा हूँ, कीलें ठोक दूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से कितनी कीलें निकल जाएंगी, बिल्कुल पास पास ठोकूंगा कुछ कीलें निकलेंगी, और मैं इसकी वजह से अब क्या ले रहा हूँ, अब मैंने इतना बड़ा कर दिया, जब मैं इतना बड़ा लूंगा इससे जितनी कीलें, मान ली इतनी इसमें से रेखा निकालूंगा पार, आरंभ पार, इतने इसमें कीलें ठोकूं तो इसमें कम जाएंगी, इसमें ज्यादा है, इस पूरे में ज्यादा जाएंगी। मतलब क्या है कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसमें वैद्युत बल रेखाएं भी उतनी ज्यादा होंगी, क्षेत्रफल कम होगा उतनी वैद्युत बल रेखाएं कम होंगी। दूसरी बात, ये वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है, यहाँ पर यह रखा है भाई, जितना ज्यादा प्रबल होगा उतनी ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जितना कम होगा उतनी कम निकलेंगी। तो मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के, यानी कि ए इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि मैं छोटा ले लूं तो मैं क्या, एक इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डी ए लिख सकता हूं, और इसको एरिया के सापेक्ष, ये लिमिट इसका कीड़े से का मतलब, जो कीड़ा समझ आता है इसका मतलब समाकलन होता है, और इसका मतलब यह है कि इसका इस जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल कितना बड़ा है वो वहां पर रख देंगे, यानी पूरा क्षेत्रफल ले लिया जाएगा। तो मतलब ये है कि ये ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर में कर दूंगा ए के सापेक्ष, यानी कि एरिया है ये, इसका मतलब ये है कि ये आपका कितना है, ये पूरा एरिया ले लिया मैंने, ये मान लीजिए इससे छोटा एरिया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र काफी बड़ा है, तो मान लीजिए तो इस पूरे क्षेत्र का एरिया जो लूंगा तो मैं उसको ए रख दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि छोटा, यानी इसका भी मान लीजिए ये एरिया लेना है, इसका मैं छोटा सा पृष्ठ ले लिया ये डी ए, तो डी ए ऐसे कर दूंगा, तो मतलब क्या है कि ये पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन में पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और जब ये है तो इसको मैं फॉर्मूला खोलूंगा, ई ए
कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है, ये मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक यहाँ से खास बात निकलती है, दो पहले इसका मात्रक वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र हो गया, अब देखिएगा इसका मात्रक, देखो सूत्र से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ई और डी ए वेक्टर, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको e इंटू डी ए कॉस थीटा। मात्रक इसका क्या बनाएगा, देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू, और ये डी ए, डी ए का मतलब क्या है, ये एरिया, और एरिया का मतलब क्या है, मीटर स्क्वेयर। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब ये में इसका मात्रक तो ये बन जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वेयर प्लस कूलाम। और इसका यदि मैं विमा की बात करूं तो ये देखिएगा, विमा देखो फॉर्मूला से बनती है, न्यूटन यानी बल, बल की विमा क्या थी, एम एल टी माइनस टू, और ये मीटर स्क्वेयर यानी कि एल स्क्वेयर, और नीचे कूलाम, और कूलाम यानी कि ये क्या होता है, आवेश, और आवेश की विमा हमने क्या बताई थी, एटी। बस इनको याद रख कर लीजिए आप, ठीक है, और बाकी सब बनते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एम की घात, देखो ऊपर पहले ऊपर लिख दीजिए, एल इसमें जुड़ेगा था, यानी घात तीन हो जाएगा माइनस दो। ठीक है, और ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी ए की पावर माइनस वन और टी की पावर भी माइनस वन, और इसको मैं जोड़ के लिखूंगा एम और एल की घात तीन, टी की घात माइनस तीन और ए की घात माइनस वन। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। और इसका एक और ऐसा ही मात्रक और बना दूं, जैसे ये भी ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, और एक इसका वोल्ट मीटर भी बन सकता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्यों, क्योंकि इसमें न्यूटन प्रति कूलाम मीटर जो होता है वो वोल्ट विभव का मात्रक होता है, जो आगे पढ़ोगे तुम, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका, या हम इसको क्या वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, क्या वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका मात्रक, देखो एम क्या होता है, मास होता है, मास का मात्रक किलोग्राम, एल क्या लेंथ होती है, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात तीन, और ये समय सेकंड होता है, सेकंड की घात माइनस तीन, और ये क्या होता है एम्पियर वैद्युत धारा की घात, यानी कि ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो कई सारे मात्रक बन जाते हैं इसका। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से नोट करके दो बातें और पढ़ लेते हैं, क्या खास बातें हैं। एक, यदि ये लंबवत पृष्ठ के लंबवत कहे, यानी वैद्युत क्षेत्र, ये जो पृष्ठ है जो हम निकाल रहे थे, यानी कि ये जो उसमें से वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही थी, ये जो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के कैसी हैं, इसका जो पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत होगा तो थीटा बराबर, हम लंबवत होने पर 90 अंश लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, जहां कहीं पे प्लस की, चाहे वैद्युत प्लस को या चुंबकीय प्लस को, तो हमें जीरो अंश लिया जाता है, और समांतर पर थीटा बराबर 90 अंश लिया जाता है। तब बोलोगे कि ये ऐसा क्यों, देखिएगा ऐसा इसलिए कि ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ कैसा है, इस तरीके से ऐसा समझिएगा, ये पृष्ठ है, और वैद्युत क्षेत्र कैसा है आपका, ऐसे है, देखो ऐसा समझिएगा, ये पृष्ठ है आपका, ऐसा रखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र आपका किस तरीके से है, आपका इस तरीके से है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र कैसा है, इस तरीके से है आपका, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है, समझ लेना, इस तरीके से ये से, और पृष्ठ है आपका ऐसे करके, जैसे मेरा ये बोर्ड है, तो अब मैं इस पृष्ठ के मतलब पृष्ठ के कैसे निकालू मैं, अब देखना जरा, वैद्युत क्षेत्र के यदि मैं लंबवत लूंगा, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी कि इस तरीके से तो ऊपर आएगी, या मैं ऐसे बाहर की ओर लूंगा। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी ये आपका वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, तो मैं वैद्युत बल रेखाएं लंबवत लूंगा तो ऐसे बाहर की ओर निकलेगी, तो ये बाहर की ओर निकल गई लंबवत, तो जो लंबवत निकल रही है जो रेखा, तो वो जो रेखा है तो वो पृष्ठ के सापेक्ष कैसी, तो पृष्ठ का मुंह तो आगे की ओर है आपकी तरफ, यानी पृष्ठ का मुंह इधर ही है और इधर ही वैद्युत बल रेखा जा रही है, तो मतलब जीरो अंश उसके बीच में, और समांतर बात करें तो मतलब ये का वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो इसी वैद्युत क्षेत्र इधर है, और मैं इसी तरीके से कर दूं रेखा भी, मैं इसी तरीके से कर दूं, लेकिन इस तरीके से कर दूंगा तो पृष्ठ तो आपका इधर की ओर है, पृष्ठ इधर की ओर है और रेखा इधर जा रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कोण उनके बीच में 90 अंश हो जाएगा, इसलिए मतलब ये उल्टा होता है एक दूसरे से, क्योंकि पृष्ठ अपने आप में लंबवत, पृष्ठ अपने आप में 90 डिग्री का कोण बना लेता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे क्या जाते हैं लंबवत, मतलब जब लंबवत कहेंगे तो जीरो अंश, और जो समांतर कहेंगे तो 90 अंश आ जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, समझ आ रही, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर